हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेस प्लस टैबलेट के बारे में। ये जो एक्सेस प्लस टैबलेट है, इस टैबलेट को किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इस टैबलेट के क्या यूज़, क्या डोज और इसमें जो कंटेंट पाए गए हैं वो क्या वर्क करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एक्सेस प्लस टैबलेट है, इसको जूनिसेज हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स मिल जाएंगी और इसकी एक स्ट्रिप के प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में 90 रुपीज़ में मिलेगी। और इसमें कंटेंट की बात करें तो दोस्तों, ये जो टैबलेट है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें जो असलीक्लोफेनिक वो 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg इसमें ऐड किया गया है। और इसके दोस्तों ब्रांड नेम की बात करें तो ये आपको मार्केट में इक्लोफेन प्लस टैबलेट, ज़ीरोडेल पी टैबलेट और एक्मिस प्लस टैबलेट के नेम से मिल जाएगी। इसके दोस्तों जो ब्रांड नेम है वो मार्केट में अलग अलग मिलेंगे, बट इसमें दोस्तों जो कंटेन है वो सेम ही रहेगा। आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। फर्स्टली हम दोस्तों जान लेते हैं इसके वर्क के बारे में। इसमें जो असलीक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल पाया गया है वो क्या वर्क करता है। इसमें जो असलीक्लोफेनिक है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और जो पैरासीटामोल है, ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। ये दोनों ब्रेन में उन सर्टन केमिकल मैसेंजर्स की ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं जो पेन, फीवर और सूजन का कारण बनते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस टैबलेट के क्या यूजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं लेने से। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज़ मेनली पेन मीनिंग दर्द में किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है, या फिर सूजन हो रही है, या फिर साथ में बुखार आ रहा है, या फिर बुखार के कारण आपके शरीर जो अकड़न या जकड़न वगैरह हो गई है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप इसका यूज़ कमर दर्द, ओस्टियोआर्थराइटिस, माइल्ड आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, बुखार, गठिया संबंधी दर्द, सर्जरी के बाद होने वाले दर्द या फिर आफ्टर इंजरी होने वाला दर्द, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डेलाइटिस या फिर ईयर पेन मीनिंग कान में दर्द और पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट और डेंटल पेन या फिर बोन फ्रैक्चर का पेन, इन सब में इस जो टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। आप इस टैबलेट का यूज़ डॉक्टर की एडवाइस से कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस टैबलेट की क्या डोज़ है। दोस्तों, फर्स्टली तो आपने इस टैबलेट का यूज़ जो डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है। डॉक्टर आपकी कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री जानकर फिर इसकी डोज़ प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जो नॉर्मल डोज़ है वो दिन में 2 बार रहती है। आप सुबह और शाम को इस टैबलेट को ले सकते हैं। अगर आपको कम प्रॉब्लम है, कम दर्द हो रहा है, तो आप दिन में 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे दोस्तों पेशेंट को मतली, दस्त, चक्कर आना या फिर पेट दर्द हो सकता है। अगर आपको इनमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। और दोस्तों, इस टैबलेट के प्रिकॉशंस की बात करें तो इस टैबलेट के साथ आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। जो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो डॉक्टर की एडवाइस से इसका यूज़ करें और जो किडनी और लीवर के पेशेंट हैं वो भी इस टैबलेट को खुद से ना यूज़ करें, या फिर अगर पेशेंट के पेट में अल्सर है वो भी इस टैबलेट को उस कंडीशन में ना यूज़ करें। और दोस्तों, आपने इस टैबलेट का यूज़ डेली यूज़ नहीं करना है, ना ही इसकी ओवरडोज लेनी है। अगर आप इसकी ओवरडोज या फिर डेली यूज़ करते हो तो आपके जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है और आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे फेस पर स्वेलिंग या फिर थ्रोट पर और डिफ़िकल्टी आपको ब्रीथिंग हो सकती है। इसलिए आप इस टैबलेट का डेली यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये तो थी एक्सेस प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।